तो फ्रेंड स्टार्ट करेंगे हमारी लास्ट एक्सरसाइज है, 5 एक्सरसाइज है, ठीक है। तो ये करेंगे हम क्लियर डेथ के लिए, इस पार्ट के लिए, ठीक है। ये हमारा पार्ट है, तो इस पार्ट के लिए करेंगे। वो कैसे करेंगे? वो करेंगे केबल मशीन पे। तो आज थोड़ा अलग करेंगे, ठीक है। क्रेंचेस, तो आपको इसको क्रेंचेस कैसे उठाना है वो दिखा देते हैं आपको, ठीक है। तो आपको ऐसे पकड़ लेना है, दोनों तरफ से घुमा लेना है, या ऐसे जैसे आप चेस्ट लगाते हो ना, ऐसे घुमा के बस कर लेना, ये क्रेंचेस हो जाएगा आपको, ठीक है। बेंच पे आपको बैठ के लगाना है, तो इसकी फॉर्म जो सही रहेगी, देखो ऐसे वाइड पूरा मत करना, ठीक है। अगर आपको इसकी करेक्ट फॉर्म लगानी है तो बस ये एल्बो बैंड करके, ठीक है, एल्बो बैंड कर लीजिए, ठीक है। अब पीछे और आगे की तरफ पूरा लेके जाना है, आगे छोड़ना है, आगे क्रेंचेस पूरी आगे उठेगा। ये जो हमारा आ रहा है ना, ये मसल स्पॉट दिखा देते हैं आप लोगों को, ये चीज, ये मसल पार्ट आ रखा है इस चीज़ के लिए, ये इसको बोलते हैं रियल डेड। तो इसके लिए आपको ये चीज़ लगानी है, तो ये आपका बैक का मसल है, शोल्डर वर्कआउट वाले दिन लगता है, ठीक है। अगर आपको बिग बैक और बैक में पूरा कटिंग दिखाना है, तो इस पार्ट को भी लगाया करो शोल्डर वाले दिन, तभी आपको जाके ये कटिंग वगैरह दिखती है जो बैक में होती है ना, रियल लेंथ दिखता है जब आप कोइलिंग देते हैं बैक साइड का, तो ये उसमें दिखता है, बैक साइड में कटिंग आती है इससे आपका। ये बट ये है कि शोल्डर वाले दिन ट्रेनिंग होती है, बैक वर्कआउट के दिन नहीं होती, वैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा, ठीक है, ऐसे करके जैसे अभी आप डंबल लगाते हैं, तो आज हमने सीधा बैठ के किया बस ये ऐसे, ठीक है। रियल डेड के लिए वर्कआउट था ये हमारा, तो इस वर्कआउट के भी आपको 3 से 4 सेट रखने हैं, लाइट वेट से शुरू करना है और ज़्यादा से ज़्यादा रेपिटेशन लगाने की कोशिश करना है, तभी जाके आपका ये शोल्डर ट्रैप्स, ठीक है, और ये रियल डेड, रियल डेड ये मसल बनेगा, ये चीज, ठीक है। तो ये 3 एक्सरसाइज जरूरी होती है शोल्डर वर्कआउट वाले दिन, ठीक है, रियल डेल्ट और आपका ट्रैप्स और शोल्डर, ये 3 पार्ट होते हैं जो शोल्डर वर्कआउट वाले दिन लगते हैं, और लगाया करो तभी जाके आपका 3D पोजीशन दिखेगा, 3D लुकिंग दिखेगी और साइज गेन होगा, और साइज गेन करने के लिए सबसे जरूरी जो है वो डाइट न्यूट्रिशन अच्छी रखा करो भाई, तभी जाके बनेगा, वरना नहीं बनेगा। जिम छोड़ दो अगर पैसा नहीं है, पैसा थोड़ा इन्वेस्ट करो, कहीं से भी करो, अरेंज करो डाइट न्यूट्रिशन के लिए, तभी जाके आप बॉडी बना पाओगे, वरना कोई फायदा नहीं, छोड़ दो। सप्लीमेंट लेना चाहते हो, लोन नहीं ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बट डाइट फिर भी अच्छी करना है। सप्लीमेंट लोगे तब भी डाइट चाहिए, नहीं ले लो तब भी डाइट चाहिए, डाइट दोनों तरफ जरूरी है। और बस बॉडी पार्ट अच्छे से लगाओ और मेरी तरह छोटा सा मसल बनाओ, ठीक है। ये छोटा सा मसल बनाने में भाई बहुत मेहनत लगती है, ठीक है, तभी जाके आप थोड़ा लुक वाइज अच्छी आती है आपकी, ठीक है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और मेरी तरह छोटा सा मसल बनाइए।